हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दर रोज़ नवीन पे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस करना मत भूलिए दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। और उसके बाजू नीचे जो सब्सक्राइब बटन आएगा उसे भी प्रेस करने के बाद उसके बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों। उससे क्या होगा कि हमारे नए नए वीडियो जो अपलोड होंगे उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तो मिलते रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। हाय फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आऊँ, फिर से एक नई जानकारी लेके आऊँ, फिर से एक नई भर्ती के बारे में आपको यहाँ पे अपडेट देने आ चुका हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो भर्ती निकली तो ये भर्ती बहुत ज़्यादा पदक निकली। तो फ्रेंड्स, ये भर्ती आप कभी भी मिस मत करना, क्योंकि इसके बाद आपको ऐसी भर्ती नहीं मिलेगी। यानी कि बहुत ज़्यादा पदक निकली है भर्ती और बहुत ही अच्छी ये भर्ती है, सबको यही भर्ती पसंद आती है। तो देखिए, इस भर्ती की सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने लो। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स, ये भर्ती किस में निकली। तो ये भर्ती निकली आसाम पुलिस कॉन्स्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2020, यानी कि आसाम में पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकल चुके हैं फ्रेंड्स। तो उसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने लो। नेम ऑफ द पोस्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आसाम पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2020। उसके देखेंगे पोस्ट डेट, तो इसकी जो पोस्ट डेट थी फ्रेंड, तो इसकी पोस्ट डेट थी 27 अप्रैल 2018, आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। उसके बाद इसमें अब अपडेट हो चुका है फ्रेंड्स, तो इसमें और जगह ऐड हो चुकी है। तो इसमें लेटेस्ट अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, 19 दिसंबर 2019, यानी कि आज ये अपडेट हो चुका है फ्रेंड्स। यानी कि 19 दिसंबर 2019 को अब यह अपडेट हो चुका है। उसके देखेंगे टोटल वैकेंसी, तो टोटल वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 6662 पदों के लिए भर्ती निकली है। उसके देखेंगे ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, तो ब्रीफ इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। आसाम पुलिस हैज पब्लिश नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल कांस्टेबल अनार्म बेंच एंड अनार्म बेंच वैकेंसीज। दूस कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड इन द वैकेंसी डिटेल्स एंड कंप्लीट ऑल एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया कैन रीड द नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन, आपको यहाँ पे कहा है। यानी कि आसाम पुलिस हैज पब्लिश, यानी कि आसाम पुलिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है फॉर कांस्टेबल के लिए, पुलिस कांस्टेबल के लिए। दूस कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड इन द वैकेंसी डिटेल्स, यानी कि जो उम्मीदवार इसमें इंटरेस्टेड है वो इसकी वैकेंसी डिटेल पढ़ लीजिए, कंप्लीट ऑल एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया भी पढ़ लीजिए और इसमें जल्दी जल्दी अप्लाई कर दीजिए, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। उसके देखेंगे नीचे आसाम पुलिस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके नीचे देखेंगे तो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेबल कांस्टेबल वैकेंसी 2020, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके देखेंगे फ्रेंड्स एप्लीकेशन फ़ी, तो एप्लीकेशन फ़ी आप यहाँ पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी एंड इंटीमेशन चार्जेस, तो आपका यहाँ पे कहा है फ्रेंड्स, नील का है, यानी कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं होने वाली एंड इंटीमेशन चार्जेस भी आपको यहाँ पे कोई नहीं है। उसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स, स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे स्टार्टिंग डेट बताई थी फ्रेंड्स, 2/5/2018, आपको यहाँ पे बताएं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटेंडेड टू 23 दिसंबर 2019, यानी कि 23 दिसंबर 2019 से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड्स। उसके देखिए लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन, आपको यहाँ पे बताई थी पुरानी डेट फ्रेंड्स, 2/6/2018, आपको यहाँ पे बताएं। उसके देखेंगे एक्सटेंडेड टू 6 जनवरी 2020, यानी कि 6 जनवरी 2020 के बाद आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसकी स्टार्टिंग डेट फ्रेंड्स 23 दिसंबर 2019। उसके देखेंगे एज लिमिट एज ऑन 1/1/2018, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको देखेंगे यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट, तो मिनिमम एज लिमिट आपको यहाँ पे चाहिए होगी 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम एज लिमिट आपको यहाँ पे चाहिए होगी 25 ईयर्स, यानी कि 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके देखेंगे एज रिलैक्सेशन एज एडमिसिबल एज पर रूल्स के मुताबिक होगा। उसके देखेंगे वैकेंसी डिटेल्स, तो वैकेंसी डिटेल में सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट कॉलम में आपको यहाँ पे पोस्ट नेम बताया, सेकंड कॉलम में आपको टोटल वैकेंसी बताया, उसके थर्ड कॉलम में आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया एजुकेशनल। तो सबसे पहले देखेंगे पोस्ट नेम, तो पोस्ट नेम आपको यहाँ पे फर्स्ट बताया कॉन्स्टेबल अन आर्म ब्रांच, उसके लिए टोटल वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं 1851 था, उसमें अब ऐड हो चुका है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे रेड कलर में दिख सकता है आप यहाँ पे 540, यानी कि 540 यहाँ पे कांस्टेबल अन आर्म ब्रांच के लिए है पोस्ट निकली फ्रेंड्स। उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे चाहिए होगी फ्रेंड्स, HES और 12th क्लास। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट फ्रेंड्स पोस्ट नेम कांस्टेबल आर्म ब्रांच, उसके लिए आपको यहाँ पे टोटल वैकेंसी देख सकते हैं 3643, उसमें प्लस होके आप यहाँ पे देख सकते हैं 628 पोस्ट यहाँ पे ऐड हो चुकी फ्रेंड्स। उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे चाहिए होगी HESL
और 10th क्लास पास आपको यहाँ पे होना चाहिए। उसके देखेंगे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन। आपको यहाँ पे कहा यानी कि जो मेदर इसमें इंटरेस्टेड है वो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ लीजिए और इसमें अप्लाई ऑनलाइन कर दीजिए, ऐसे उन्होंने यहाँ पे कहा है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।